IB-71 गंगा प्लेन हाइजैकिंग की असली कहानी सिर्फ एक मिनट में। 1969 की बात है, दो पाकिस्तानी एजेंट, एक 17 साल का हासिम कुरैशी और 19 साल का अशरफ कुरैशी, एक पिस्तौल और ग्रेनेड के साथ एक प्लेन हाइजैक करने के लिए भारत लाए जाते हैं। लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर ही पकड़ा जाता है और वो दो बच्चे अपनी हाइजैकिंग की पूरी प्लानिंग इंडिया के आईबी ऑफिसर्स को बता देते हैं। अब 1970 की बात है, पाकिस्तान अपने वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, वहां पे अपने सोल्जर्स और हथियार भेजने के लिए इंडियन एयर स्पेस का इस्तेमाल करते थे, जिसमें पाकिस्तान के इंडिया के साथ टू फ्रंट वॉर होने के चांसेस बढ़ रहे थे। ऐसे में हमारी रॉ एक ऑपरेशन प्लान करती है, जिसमें हमारा एक पुराना प्लेन गंगा, जिसमें हमारे ही सोल्जर्स डमी पैसेंजर बनके बिठाए जाते हैं, हम ही खुद उसे उन दो जासूसों की मदद से हाइजैक करवाते हैं और लाहौर में लैंड करवाते हैं, और वो दो जासूस रातों रात पाकिस्तान के हीरो बन जाते हैं। पाकिस्तानियों को लगा कि ये पूरी प्लानिंग उनकी थी, लेकिन इसी इंसिडेंट की वजह से हम पाकिस्तानी प्लेन्स को इंडियन एयर स्पेस से गुजरने से रोक पाए और हमें समय मिला 1971 की वॉर की तैयारी का, जो हम सिर्फ 13 दिनों में जीत पाए। सब्सक्राइब टू वॉच सच।